स्वागत है। सो यहाँ देखिए हम अपने मोबाइल पर हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव को यहाँ पर ढूंढ लेना है। सभी के मोबाइल में ये गूगल ड्राइव एप्लीकेशन होता है, आपको ये सभी के मोबाइल में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको आइकन देखने को मिलेगा और यहाँ पर अपनी फोटो, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट जो भी हो वो यहाँ पर सेव और सुरक्षित रख सकते हैं। और इसमें रखने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसमें रख लेते हैं, अपने जीमेल और जीमेल का पासवर्ड याद रखते हैं, और अगर आप मोबाइल कहीं भी भूल जाते हैं या मोबाइल आपका गायब हो जाता है, घर में रख जाते हैं, कहीं भी हैं, तो आपको अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के किसी के भी मोबाइल में अपने फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं या उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर इसमें आपको डॉक्यूमेंट या फोटोज को सेफ रखने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे, आपके सभी के मोबाइल में होगा, अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल के सभी के मोबाइल में पहले से गूगल के सारे प्रोडक्ट आते हैं तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होगी ही नहीं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए आपका होम में ओपन होगा और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने जो कोई भी फोटोज, वीडियोज को पहले से आपने अपलोड किया होगा वो देखिए आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करना है, इस तरीके से क्लिक करेंगे आपको इस सेक्शन में यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं से कोई भी बिना फोल्डर बनाए यहाँ से अपलोड कर सकते हैं गूगल में। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी फोटो, वीडियोज और डॉक्यूमेंट यहीं से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ का फोल्डर बना रखा है। सो आप यहाँ पर देखिए फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए इस प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नाम चूज करने का आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए ट्रिपल ए, यहाँ पर मैं ए ही सबका बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। सो देखिए ये मेरा एक न्यू फोल्डर है, यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुका है। अगर मैं कोई भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ तो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट का पहले से ही यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का पहले से ही मैंने फोल्डर बना रखा है। मैंने ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बनाया हुआ है दिखाने के लिए। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं तो देखिए प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट वीडियोज, फोटो को जो जितनी भी रिसेंट फाइल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कुछ और भी यहाँ पर फोटोज तो सिंपली फोटो पर क्लिक करेंगे और आपकी देखिए ये गैलरी इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप किसी भी फोटो पर क्लिक करेंगे और जिस भी फोटो को या डॉक्यूमेंट्स को या वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं सिंपली उसे सेलेक्ट करना है आपको ऐसे, जिस पर क्लिक करेंगे सो देखिए आपके सामने इस तरीके से आएगा और यहाँ पर लिख के आएगा वेटिंग फॉर वाईफाई। तो ये जहाँ अपलोड होगा वाईफाई के जरिए, लेकिन इससे पहले आपको एक सेटिंग कर लेनी होगी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको एक सेटिंग के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर नीचे आएंगे सबसे, ये देखिए लिखा है ट्रांसफर फाइल ओनली ओवर वाईफाई। यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा आता है कि जब आपकी वाईफाई कनेक्ट करेगी तो ही आपका जो डॉक्यूमेंट, जो भी डाटा होगा, जो भी आप चढ़ाना चाहेंगे तो वाईफाई के माध्यम से होगा। तो इसको आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। चलिए मैं इसे यहाँ पर से बंद कर देता हूँ और इसे आप ओके कर देंगे, इससे देखिए यहाँ से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर बैक आते हैं और यहाँ पर देखिए हम इस फोल्डर पे यहाँ पर क्लिक करते हैं जिसमें हम फाइल को अपलोड कर रहे थे। तो सबसे पहले इसे कट कर देना है और अब यहाँ पर दोबारा जाएंगे और जहाँ से आप जो भी चाहे वो अपनी गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल साइट्स, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सिंपली यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे देखिए ये फोटोज़ है तो इसको मुझे डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप समझ कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से अपलोड, हम फोटोज़ को सिंपली ले लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर लेंगे ये देखिए आपकी जो है अपलोडिंग होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुकी। अब यहाँ से बैक आना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जब कभी जरूरत पड़े सिंपली आपको गूगल ड्राइव ओपन करना है और गूगल ड्राइव में ये हमेशा सेफ रहेगी। सिंपली फोल्डर उस भी जो फोल्डर बनाया होगा चूज करेंगे और यहीं से देखिए आप अब यहाँ पर आपकी ये फोटो सेफ रहेगी, यहाँ से उतनी ही क्वालिटी में रहेगी, आप उसे सेफ भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप किसी दूसरे मोबाइल में चाहे तो अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के दूसरे भी मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। सो आपका मोबाइल खो जाए, कुछ भी हो, आप उससे कोई फर्क नहीं, आपकी जितनी फोटो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेफ और सुरक्षित रहेंगे उस जीमेल पर। सो इस तरीके से आप भी अपने गूगल और फोटोज को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं।